हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद नजराना नवाब। और आज मैं बनाने वाली हूँ लौंगिया मिठाई, जिसे हम घर की चीजों से बहुत ही इजी वे में बनाएंगे। कोई भी इंग्रेडिएंट्स आपको बाहर से नहीं लाना पड़ेगा और घर पे इतना टेस्टी मिठाई बनके तैयार हो जाएगा बिना कोई खर्च के। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से गमले में 3 कप मैदा लेंगे। अब मिठाई खस्ता बने इसके लिए हम इसमें घी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं 3 पल्ली घी ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच पिसा हुआ शक्कर ऐड करेंगे और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इस तरह से मुट्ठी बना के देख लीजिएगा। अगर बन जाए इसका मतलब ये है कि मिठाई हमारा खस्ता बनेगा। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदेंगे और हार्ड डो लगा लेंगे। घी की जगह पे आप रिफाइंड तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी यूज़ करने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा मिठाई में। जब आप आटा गूंद ले तो आधे घंटे का रेस्ट दीजिएगा। फिर एक कढ़ाई में 120 ml के मेजरिंग कप से 1 कप शक्कर लेंगे और उसी सेम कप से पानी लेंगे। इसे मिक्स करते रहेंगे जब तक कि शक्कर घुल न जाए और एक अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। आधे घंटे के रेस्ट के बाद छोटी छोटी लोइयां काट लेंगे और खुश्क आटे की मदद से इसे बेल लेंगे। बहुत ज्यादा पतला भी नहीं बेलना है और बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं बेलना है, मीडियम बेलिएगा। जब हम घर पे घी निकालते हैं तो घी निकालने के बाद हमारे पास खोआ बचता है। उसी खोआ को यूज करके आज हम इस मिठाई की फिलिंग बनाएंगे। जो पूरी मैंने बेली थी उसे स्क्वायर शेप में कट कर लिया और यहाँ पे आप उसका थिकनेस देख सकते हैं कितना मोटा रहेगा। उसके बाद बीच में खोआ वाली फिलिंग रखेंगे। फोल्ड करने के लिए 2 अपोजिट डायरेक्शन को एक साथ जोड़ेंगे और बचे हुए कोनों को फिर एक साथ मिला देंगे। ऊपर से एक लौंग लगाएंगे और जो एजेस खुले हुए उनको थोड़ा पानी लगा के एक साथ चिपका देंगे। इस मिठाई की फिलिंग को और भी इनोवेटिव बनाने के लिए आप खोआ में नारियल का बुरादा और बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, पर मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि ये ऐसे ही बहुत ही ज्यादा मजेदार लगता है। लो टू मीडियम फ्लेम पे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करिएगा। अगर आप इस मिठाई का बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो आप इन्हें घी में फ्राई करिएगा। चाशनी मैंने कम बनाया था इसलिए छोटे से बर्तन में कर लिया और सिर्फ 10 मिनट के लिए इन्हें डिप करना है चाशनी में और उसके बाद आपका मिठाई रेडी हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ज्यादा टाइम तक चाशनी में डिप करके मत रखिएगा, वरना ये सॉगी हो जाएगा, क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आम के आम और गुठलियों के दाम घी भी निकाल लेंगे और उसी खोआ को यूज करके मिठाई भी बना लेंगे। बना के जरूर खाइए क्योंकि होममेड इज बेस्ट। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट रेसिपी। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।